टीचिंग अ स्टोन टू टॉक, एनी डिलर्ड की पुस्तक टीचिंग अ स्टोन टू टॉक एक दुख भरी व मार्मिक कथा की बात करती है। इन द ईयर 1845, 1845 में कैनेडियन आर्कटिक से पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के लिए एक ब्रिटिश आर्कटिक एक्सपीडिशन नॉर्थ वेस्ट पैसेज से रवाना हुआ। इस एक्सपीडिशन में 2 शिप्स और 138 नेवल पर्सोनेल, नेवी के सेलर्स आदि गए और शिप्स समेत कोई भी ना वापस आया। कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन ने इसकी तैयारी ऐसे की थी जैसे कि किसी प्लेजर क्रूज में जा रहे हों, हालांकि पृथ्वी के सबसे होस्टाइल एनवायरनमेंट, सबसे प्रतिकूल वातावरण के लिए यह एक कठिन व भीषण यात्रा थी। उन्होंने 1200 पुस्तकें, एक वाद्य यंत्र पियानो, अफसरों और नेवल मैन के लिए बढ़िया क्रॉकरी, कांच के कट ग्लास के वाइन गॉबलेट्स, चांदी की कटलरी और बहुत साजो सामान रखा। कई वर्षों बाद यह सब भोग विलास की वस्तुएं जमे हुए और जानवरों के खाए हुए मानव शरीरों के साथ जमी हुई देखी गईं। नाविक कठोर सर्द हवाओं वाले गंभीर आर्कटिक वेदर, जहां पारा शून्य से कहीं नीचे रहता है, वहां मर गए। कोई 20 वर्ष बाद भी एक्सपेडिशन के अवशेष उस फ्रोजन लैंडस्केप, उस जमे हुए परिदृश्य में बिखरे हुए मिले। शिप के क्रू ने भयानक सर्दी और बर्फ में शिप के आइस लॉक होने की कोई विशेष तैयारी ना की थी। वह यात्रा जो शायद 2 से 3 वर्ष तक चलती, उसके लिए नेवी की रेगुलर यूनिफॉर्म्स रखी गई और ऑक्सिलरी स्टीम इंजन का कुल 12 दिन का कोयला रखा गया। रेशमी गुलबंद व रेशमी डोर वाली ब्लू सेरिमोनियल नेवल यूनिफॉर्म पहने एक नेवल ऑफिसर का जमा हुआ शरीर मिला। दीज क्लोथिंग्स वर नोबल एंड रिस्पेक्टफुल बट होली इनएडिक्वेट। ये कपड़े नेक व आदरणीय थे, पर मौसम की प्रतिकूलता देखते हुए पूर्णतया अपर्याप्त। इतिहासकार ऐसी बिन तैयारी की यात्रा को कभी भी ठीक ना बता सके, पर हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम भी, जो इस जीवन रूपी लंबी यात्रा को शुरू कर चुके हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या आने वाले कल के लिए हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या हम नित्य अध्ययन व व्यायाम से अपने आप को इसके लिए सेहतमंद रखते हैं? क्या हमारा मन व शरीर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या हम भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप पर तैयार हैं? Do we practice such virtues as love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness and self-control? Will we be emotionally and spiritually ready to embrace an unknown future? क्या हम प्रेम, हर्ष, शांति, धैर्य, दयालुता, उदारता, नम्रता, भक्ति, भलाई, आत्मसंयम जैसे गुणों का अभ्यास करते हैं? क्या हम अज्ञात भविष्य के आलिंगन के लिए भावनात्मक व आध्यात्मिक रूप पर तैयार हैं? बिना तैयारी के यात्रा शुरू करना विनाशकारी परिणाम दे सकता है, पर अच्छी बात है कि हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं और यात्रा की सफलता हमारी नियमित व व्यवस्थित तैयारी पर निर्भर करती है। क्या आप तैयार हैं?